यौन उत्पीड़न मामले के आरोपों में घिरे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है। कोर्ट ने इस मामले में उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। बीवी श्रीनिवास ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिलने पर उस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत के जस्टिस बी आर गवई और न्यायमूर्ति संजय कोरल की पीठ ने असम सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर 10 जुलाई तक मामले में उनसे जवाब दाखिल करने को भी कहा है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या था और उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर श्रीनिवास बीवी हैं कौन। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी पर उत्पीड़न और लैंगिक भेदभाव के आरोप लगाए गए थे। अब असम की यूथ कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष अंकिता दत्ता ने ये मामले दर्ज करवाए थे। अब इस मामले में पुलिस ने श्रीनिवास के घर पर नोटिस भी भेजा था क्योंकि वो घर पर मौजूद नहीं थे। अब इस पूरे मामले पर श्रीनिवास बीवी की एक प्रतिक्रिया भी सामने आई थी जिसमें उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा को निशाने पर लिया था। कांग्रेस नेता का कहना था कि सीएम के इशारों पर मुझे कर्नाटक में प्रचार से रोकने के लिए फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, लेकिन देश के ओलंपियन महीनों से बीजेपी सांसद पर प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं तो उसकी एफआईआर कहाँ है? कहाँ है बीजेपी के मंत्री और एजेंट संस्थाएं? आपको बता दें कि असम यूथ कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष अंकिता दत्ता ने दिसपुर थाने में एक मामला दर्ज करवाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि श्रीनिवास पिछले 6 महीने से उन्हें परेशान कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल भी कर रहे थे, साथ ही साथ उन्हें धमकियां भी दे रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि अंकिता को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। अब इस पूरे मामले में एससी ने श्रीनिवास को असम में दर्ज एफआईआर के संबंधित अग्रिम जमानत दे दी है। अब बात करते हैं कि आखिर श्रीनिवास बीवी हैं कौन। श्रीनिवास भद्रावती वेंकट कर्नाटक के शिमोगा जिले के एक इंडियन पॉलिटिशियन हैं। फिलहाल वो भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपको ये भी बता दें कि श्रीनिवास एक वक्त पे क्रिकेट खिलाड़ी भी रह चुके हैं जिन्होंने अंडर 19 और अंडर 16 कर्नाटक क्रिकेट टीम के लिए भी खेला है। वो दिल्ली में कोविड-19 महामारी के दौरान अपने साथियों के साथ अपनी ऑनलाइन रिस्पॉन्सेज और रिलीफ वर्क के लिए भी चर्चा में आ चुके हैं। बात करें श्रीनिवास के राजनीतिक करियर की तो श्रीनिवास एक नॉन पॉलिटिकल मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। श्रीनिवास ने नेशनल कॉलेज बैंगलोर से अपने कॉलेज के दिनों में ही NSUI सदस्य के रूप में अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी। बाद में वो भारतीय युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बने और उसके बाद जिला स्तर और राज्य स्तर पर कई पदों पर रहे। अक्टूबर 2010 में उन्हें राहुल गांधी से सर्वश्रेष्ठ युवा कांग्रेस कार्यकर्ता का पुरस्कार भी मिल चुका है। जिला स्तर और राज्य स्तर के पदों पर रहने के बाद फिर वो राष्ट्र सचिव इंडियन यूथ कांग्रेस के पद पर रहे। उसके बाद 2018 में राष्ट्र महासचिव इंडियन यूथ कांग्रेस और उसके बाद उपाध्यक्ष रहे। जुलाई 2019 में उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद जब केशव चंद यादव ने इस पद से इस्तीफा दे दिया था तो उन्हें भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। भारत में कोविड-19 महामारी की पहली लहर में उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी श्रमिकों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन का उपयोग करके घर वापसी लाने में मदद करने के लिए सुविधाएं भी स्थापन की थी। भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान वो आवश्यक दवाओं और ऑक्सीजन की आपातकालीन आपूर्ति की सुविधाएं देकर सरकार और गैर सरकारी निकायों के लिए सबसे अधिक दिखाई देने वाले सहायक प्रदाता बन गए थे। कोरोना महामारी के दौरान उनको इतना एक्टिव देख सब उन्हें दूसरा सोनू सूद के नाम से कहने लगे। उन्होंने कोविड-19 राहत के लिए दिल्ली में 1000 भारतीय युवा कांग्रेस स्वयं सेवकों के एक समूह का समन्वय किया। ऐसे में वो एक बड़े उदाहरण बने जब न्यूजीलैंड और फिलिपिन के राजकीय मिशन कोविड-19 राहत के लिए इंडियन यूथ कांग्रेस टीम के पास पहुंचे थे। इस राहत कार्य को लेकर राजनीतिक विवाद भी हुआ था। श्रीनिवास ने उस टाइम पे स्पष्ट रूप से कहा था कि वो राहत में है ना कि महामारी की राजनीति में। मई 2021 में दिल्ली पुलिस ने जमाखोरी का आरोप लगाते हुए कोविड-19 राहत वितरण पर उनसे पूछताछ की। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनके समर्थन में सामने आई थी
और जरूरतमंद लोगों की मदद करने वालों के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के लिए भारतीय जनता पार्टी की आलोचना। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि श्रीनिवास और उनकी टीम वास्तव में बिना किसी भेदभाव के स्वेच्छ से लोगों की मदद कर रही है और कोई भी कालाबाजारी नहीं कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।